सपना के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बिहार की प्रसिद्ध फेमस डिश ठेकुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप फ्रेंड, हमारा ठेकुआ कितना अच्छा क्रंची और क्रिस्पी बना हुआ है। ये खाने में बहुत से स्वादिष्ट होते हैं और झटपट बनकर रेडी भी हो जाते हैं। तो आइए अब हम इस रेसिपी को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ठेकुआ बनाने के हमने यहाँ आधा किलो आटा ले लिया है, एक कटोरी शक्कर है, शक्कर अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, आधा कटोरी यहाँ पर रिफाइंड ऑयल है मोयम के लिए, एक नारियल हमने यहाँ काट लिया है और कुछ छुहाड़े थे जिसे हमने बारी बारी काट ली से डालने के लिए। अब हम इसमें सबसे पहले रिफाइंड ऑयल को डालकर अच्छे से इसका मोयम करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने तेल को अच्छे से आटे में मिला लिया है। देख सकते हैं हम इसका मुट्ठी बना के दिखा रहे हैं आपको, इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से इसमें आटे में मिक्स हो गया है। अब हम इसमें शक्कर को डालेंगे, इसी के साथ हम नारियल और छुहाड़े को भी इसमें डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने आटे में अच्छे से मिला लिया है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। हमें इसका डो आटा की तरह नहीं लगाना है फ्रेंड, बिल्कुल दरदरा डो इसका तैयार करना है। कुछ इस तरह से हम इसका डो तैयार करेंगे, देख सकते हैं। अब हम इसका डो तैयार करके आपको दिखाते हैं। हमें अपने हाथों की मदद से हल्का हल्का इसमें पानी छिटना है और इसका इस तरह से दरदरा डो तैयार करना है। ठेकुआ के लिए डो हमारा तैयार हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं आप हमने किस तरह से डो को तैयार किया है। आपको भी इसी तरह से तैयार करना है। इसका हमें आटे की तरह डो नहीं लगाना है, इसी तरह से इसे दरदरा रखना है। सिर्फ हमें इसे इस तरह से डो को तैयार करना है कि हमारे हाथों से इसमें मुट्ठी से लोई तैयार हो जाए। अब हम इसे 10 मिनट के ढककर थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि जो हमारा शक्कर है वो भी हल्का इसमें मेल्ट हो जाए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए 10 मिनट के ढककर छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड, देख सकते हैं आप ठेकुआ बनाने के डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका आपको इस तरह से हमें इसका छोटा छोटा लोई काट लेना है। आप लोई अपने साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। इसी तरह से हम सारे लोइयों को बना लेते हैं। लोई हमने यहाँ काट लिया है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। हमारे पास यहाँ ठेकुआ का सांचा है, हम इस सांचे में आपको ठेकुआ बना के दिखाते हैं। हमें इसमें हल्का सा तेल लगा लेना है और इस तरह से प्रेस करते हुए हमें ठेकुआ बना लेते हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं है फ्रेंड तो इस तरह से कुछ भी आपके पास बर्तन होगा उसमें आप हल्का तेल लगा लीजिए और इस तरह से लोई को इसे प्रेस कर दीजिए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा तैयार हुआ है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसे हाथ की मदद से सिर्फ इस तरह से ठेकुआ को अपना बनाकर रेडी कर सकते हैं। हम अब इसी तरह से सारे ठेकुए को बनाकर रेडी कर लेते हैं। फिर सारे ठेकुए को हमने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया फ्रेंड, देख सकते हैं आप। अब हम इसे छानने के लिए गैस में तेल गरम करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें एक एक करके सारे ठेकुए को डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है, तेज नहीं करना, क्योंकि हमारा ठेकुआ जो है ऊपर से तो पक जाएगा फ्रेंड, लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रह जाएगा। इसी तरह हम सारे ठेकुओं को तेल में आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आप एक साथ उतने ही ठेकुए डालें तेल में फ्रेंड, जितना कि तेल में अच्छे से ये डीप हो जाए। ठेकुए को तेल में डाले हुए हमें 1-2 मिनट हो गया फ्रेंड। अब हम इसे अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता पलट लेंगे। ठेकुआ आप जब भी तेल में डालें तो आप इसे तुरंत ना पलटें, वरना हमारा ठेकुआ जो है टूट सकता है। जब एक तरफ लाल हो जाए तभी हम इसे दूसरी तरफ पलटें। देख सकते हैं आप इसका कलर, एक तरफ हमारा ठेकुआ का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब हम इसे दूसरी तरफ अच्छे से पलट लेंगे और इसे भी 2-3 मिनट तक तेल में अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट हो गया फ्रेंड, ठेकुआ हमारा अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। तेल से हमने ठेकुआ को बाहर निकाल लिया, देख सकते हैं हमारा ठेकुआ कितना अच्छा क्रिस्पी बना हुआ है। इसी तरह हम अब सारे ठेकुओं को छान कर रेडी कर लिया। सारे ठेकुओं को हमने यहाँ पर बना कर रेडी कर लिया फ्रेंड, देख सकते हैं आप ठेकुआ हमारा कितना अच्छा बना हुआ है।
ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और ये बहुत ही क्रंची बना हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी बताई हुई रेसिपी आप सबको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।